हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई एम नहीं आज करेंगे हम क्लास ट्वेल्व इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी एंड गाइस ये जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सबसे पहले ये इंडस्ट्रीज टॉपिक चल रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ठीक उसके दो डायमेंशनस होते हैं यानी दो तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हम अपने देश में लेके आ सकते हैं इंडस्ट्रीज़ दो टाइप्स की बेसिकली बताई गई हैं सबसे पहला है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ लाकर जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इनसे क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आती हैं किससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही होता ना जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह का सिस्टम लेकर आना अच्छा करना आयरन एंड स्टील से जैसे रोड्स वगैरह बनते हैं है ना तो आयरन की ज़रूरत पड़ती है पुल पुल वगैरह जैसे बनते हैं फ्लाई ओवर वगैरह उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हम लेके आ सकते हैं और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेके कर आएंगे तो क्या होगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी लोगों को नौकरियाँ मिलेगी और इक्विटी प्रमोट होगी इससे क्या मतलब है कि सब लोग बराबर के होंगे ठीक है कोशिश एक है कि गरीब और अमीर जो है उसमें डिफरेंस ख़त्म हो जाए क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में अगर किसी अनएम्प्लॉयड इंसान को नौकरी दी जाएगी तो वो भी कुछ पैसा आएगा एक स्टेप आगे बढ़ेगा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा है ना तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में देखो इधर क्या लिखा हुआ है टर्न ओवर ऑफ़ लेस देन फिफ्टी करोड़ सो ऐसे यूनिट्स ऐसी इंडस्ट्रीज या फॉर्म्स की यहाँ बात हो रही है जिनकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी है दस करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं जिसमें उससे कम होना चाहिए उससे so, ज़्यादा नहीं होना चाहिए दस करोड़ से और टर्न जो है उसका पचास करोड़ से कम होना चाहिए ठीक है पचास करोड़ का जो है सेल्स परचेज का, का काम साल में मैक्सिमम होना चाहिए बस इससे ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ अगर हम जो अभी हम प्लान्स पढ़ रहे थे फाइव ईयर प्लान्स उसकी बिगिनिंग की बात की जाए स्टार्टिंग की बात की जाए उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट कितनी रखी थी फाइव लाख रुपीज़ और अब कितनी है टेन करोड़ देखो महंगाई बढ़ गई है इसलिए हमें इस लिमिट को भी बढ़ाना पड़ा है ना नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस रोल या करेक्टरस्टिक्स ऑफ एस एस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ करेक्टरस्टिक्स या रोल इंपॉर्टेंस कुछ भी बोलो पढ़ते हैं हम हम तो सबसे पहला पॉइंट है ये हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ लेबर इंटेंसिव एंड देर फॉर एन्वायरमेंट फ्रेंडली लेबर इंटेंसिव है यहाँ पे यानी हम ह्यूमंस के थ्रू काम ज़्यादा करते हैं मशीन्स कम यूज़ करते हैं सो एनवायरमेंट फ्रेंडली हुई एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे अब जब कम से कम मशीन्स यूज़ की जाएगी तो कम से कम पोल्यूशन होगा ठीक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरली लेबर इंटेंसिव वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है यानी वहाँ लेबर के थ्रू एम्प्लॉयज़ के थ्रू ज़्यादा काम किया जाता है लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कैपिटल इंटेंसिव है यानी वहाँ पे मशीनों के थ्रू ज़्यादा काम किया जाता है ज़्यादा पैसे खर्च करके मशीनें ही प्लांट कर दी जाती हैं टू प्रोड्यूस आउटपुट एस एस आई इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर दैन कैपिटल अगर हमें कोई भी आउटपुट बनाना है कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है लेबर ज़्यादा यूज़ करेगी और कैपिटल कम यूज़ करेगी ठीक है पैसा इतना इन्वेस्ट यहाँ नहीं करना पड़ता है यहाँ लेबर ज़्यादा लगती है लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगती है लेबर कम लगती है क्योंकि एक ही मशीन होती है एक ही मशीन सौ सौ लोगों का काम अकेले कर देती है सो आ प्लानर्स राइटली थाट ऑफ अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज हमारे प्लानर्स थे यानी जो फाइव ईयर प्लान पे वर्क कर रहे थे उन्होंने क्या सोचा कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करेंगे यानी सब लोगों को नौकरियां देने की कोशिश करेंगे किस पे फ़ोकस करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लाकर हमारे देश में सब लोगों को नौकरियाँ देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट है एस एस आई शोज़ लोकेशनल फ्लैक्सीबिलिटी एंड प्रोवाइड इंटर रीजन इक्वाली लोकेशनल फ्लैक्सीबिलिटी का मतलब है किसी भी लोकेशन पर सेटअप कर लो यार इसे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को यानी चाहे तो आप किसी गाँव में भी सेट कर लो क्योंकि यहाँ तो लेबर चाहिए और आराम से गाँव में लेबर मिल जाती है इंटर रीजनल इक्वालिटी का मतलब है किसी भी रीजन में किसी भी एरिया में स्टेट में आप इसको फ़िक्स कर सकते हैं तो हर एक रीजन हर एक स्टेट की डेवलपमेंट होगी लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल बिकॉज दे रिक्वायर रॉ मटीरियल इन ह्यूज अमाउंट अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वह कहाँ सेटअप होती हैं जहाँ पर रॉ मटीरियल ईजिली अवेलेबल होते हैं वहाँ सेटअप की जाती है इसका रीज़न क्या है क्योंकि उनको रॉ मेटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है ना डेली बेसिस पे उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सो so, अगर हम डिस्टेंट प्लेस यानी ऐसी जगह से दूरी पे रखेंगे जैसे कि हमने बहुत पुराने पिछड़े गाँवों में अपना लार्ज स्केल इंडस्ट्री रख दी बहुत दूर तो क्या हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी अब इतने दूर शहर से माल लेकर आओ रोज आप किसी गांव में तो कितना किराया खर्च हो जाएगा कितना पेट्रोल ख़र्च हो जाएगा यार बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो इससे बेहतर चीज़ ही यही है कि जिस शहर में जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके आस पास ही की कोई लोकेशन ढूंढ लो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से बेनिफिट मिलता है लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है यानी किस मर्जी लोकेशन में जहाँ मर्जी जितनी मर्ज़ी पिछड़े एरिया में इसको फिक्स कर दो ठीक है अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को तो लेबर चाहिए और जितना पिछड़ा एरिया होगा वहीं पे उतनी ज़्यादा ही लेबर मिल जाएगी है ना जैसे पेपर मेकिंग फैक्ट्री होती है कागज कूगज बनाने हैं तो छोटे मोटे अनपढ़ लोग चाहिए इस ऐसे कामों के लिए तो गांव वाँव में मिल जाते हैं तो क्या है ये इक्वालिटी ओरिएटेड है यानी बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होती है इससे हर एक एरिया की हर एक स्टेट की बैलेंस्ड बराबर ग्रोथ हो सकती है इसके थ्रू नेक्स्ट है एस एस आई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिंग्स इक्वालिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अब आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ती है बहुत कम पैसों में सेटअप हो जाती है वो ठीक है इससे क्या होता है हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब चाहे कोई भी इंसान हो इंडिविजुअल हो किसी भी कास्ट का हो रिलीजन जो भी है अगर उसके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है तो आराम से वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है तो सब लोगों में इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हो आपका अच्छा बैकग्राउंड है तभी तो आपको एक इंडस्ट्री सेटअप कर पाओगे एस एस आई नीड स्मॉलर इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री ज़ाहिर सी बात है वही बात रिपीट हो रही है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसको ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज होती हैं सो इट डज नॉट लेट टू कंसन्ट्रेशन ऑफ इकनॉमिक पावर सो इससे क्या है अगर हम स्माल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं इससे कंसन्ट्रेशन ऑफ इकनॉमिक पावर नहीं होती इसका क्या मतलब है कि हमारी इकोनमी की पावर जो है वो सिर्फ चंद हाथों में नहीं रहती है कंसंट्रेशन का मतलब है कुछ ही हाथों में सिर्फ नहीं रहती है कि दो चार बिजनेस हैं वही जो है पूरे इंडिया का बिज़नेस संभाल रहे हैं ऐसा नहीं है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कितनी मर्जी लोग स्टार्ट कर लो आसानी से स्टार्ट कर लो सबको इकोनॉमिक पावर मिलती है थोड़ी थोड़ी पावर सब में बढ़ जाती है ठीक है एंड प्रमोट्स इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तो हर एक सेक्शन के सोसाइटी के सब को बराबरी का यहाँ हक मिलता है क्योंकि ये थोड़े से पैसे में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अपना इट ऑल्सो प्रमोट्स इक्विटी बाई ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल और साथ में इक्विटी यहाँ कैसे आती है कि ये लोगों को नौकरियाँ देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना तो बराबरी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है अब ज़्यादा मशीनें नहीं यूज़ हो रही हैं पैसा भी कम लग रहा है मशीनें यूज़ नहीं हो रही हैं बल्कि लेबर ज़्यादा लग रही है ज़्यादा लेबर का मतलब ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल रही है तो एक तरह से ये इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है हमारी सोसाइटी में इस वीडियो खत्म